दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिरासर में। आज मैं आपको एक स्पेशल फंगस को दिखाने वाला हूं, जो कि ज़्यादातर जंगलों में ग्रो करता है। और ये जो फंगस आप देखने वाले हो, यह मृत जीवी फंगस है, यानी कि मरे हुए पेड़ पौधों पर ये ग्रो करता है, जिसे पैरासिटिक कहते हैं। तो चलिए भाई, मेरे घर पर, ठीक है, ये दीवार का बैकग्राउंड है, पीछे का घर से बाहर का है, और बारिश के मौसम में दीवार थोड़ा भीगा हुआ है, और इस पे ये हरे रंग का आप दिख रहा है, ये लाइकेन ग्रो किया है। लेकिन यह आप देख सकते हैं, ये बम्बू का तना है, ठीक है, बम्बू का तना है। और इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूँ तो आप देखेंगे स्पेशल तरीके से, ठीक है, आप स्पेशल तरीके से देखेंगे इस पे कुछ ऑरेंज लाइक, ठीक है, ये ऑरेंज लाइक आप देख सकते हैं, कितना प्यारा सा ये फंगस ग्रो किया है, ठीक है। ये इसका जो क्लास है, ये ट्रिमेलोमाइसिटीज क्लास से ये आता है, और इसकी जो फैमिली है ट्रिमेलिएसी है, और इसका जीनस जो है आपका वह ट्रिमेला है, ठीक है, इसका नाम ट्रिमेला है। इसे जेली फंगस भी कहा जाता है, ठीक है। ये सड़े गले हुए पदार्थों पर, यानी कि सड़े गले हुए पौधों के तने पर ये उगता है। तो ये जो आपका जो बम्बू का ये जो इस तरह है ना, ये डेड हो गया है, ठीक है, तो इस पे ये ग्रो किया है। तो कितना प्यारा सा है, थोड़ा मैं इसे चिमटी की मदद से निकालूं। वाह यार, कितना प्यारा है यार, यार इसकी जो हम कह सकते हैं जड़ें हैं, कितनी मजबूती से ये पकड़ा हुआ है यार, देख सकते हैं आप कितना ये प्यारा सा है, ठीक है, कितना लवली सा, कितना सुंदर सा ये कवक है। वैसे तो कोको की कई सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, आपने मशरूम तो खाया होगा भाई, जो सफ़ेद कलर का जो होता है मशरूम, जिसकी आप सब्जी खाते हो, ठीक है, उसी का ये चचेरा भाई है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, उसका चचेरा भाई है। जो कवक होते हैं स्पेशल तरीके से, ठीक है, ये मृत यानी कि पैरासाइट ये कवक है, और जो कवक होते हैं वे मरे हुए मतलब ये पैरासाइट कवक है। तो जो पैरासाइट जो कवक होते हैं, मरे हुए पौधों के तने पर ये ग्रो करते जाता है। तो ये डेड, ये आपका मरा हुआ ये बम्बू का ये जो है कि तना है, इस पर ये ग्रो किया है। और ये क्या करते हैं कि एक्सटर्नल बॉडी से, बॉडी के पार्ट से, मतलब ये अपने बॉडी के पार्ट से एक्सटर्नल कुछ हम कह सकते हैं एंजाइम को ये सिक्रीट करते हैं, यानी कि रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एंजाइम छोड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे पृथ्वी जगत पर जो भोजन पचाने की जो कैटेगरी है वो दो तरह की है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हम जो अपना भोजन लेते हैं वह पेट के अंदर लेते हैं, हमारे पेट के अंदर, ठीक है, एंजाइम्स के मदद से भोजन का पाचन होता है, यानी कि डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं भोजन को पचाते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कई सारे, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस बनते हैं जो कि भोजन को पचाते हैं। लेकिन ये जो कवक है, ये क्या करेगा, मरे हुए पौधों के ऊपर ग्रो करेगा, और ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल यानी कि अपने बॉडी से बाहर अंदर ही भोजन को नहीं लेता है, ये तो भोजन इसके ऊपर रह के कर रहा है, ठीक है, पैरासाइट है, परजीवी है, परजीवी का मतलब इसके ऊपर रह के जीना, मरे हुए पौधों के ऊपर रह के ये जी रहा है, इसीलिए हम इसे परजीवी कहते हैं। तो ये क्या करता है, एंजाइम को रिलीज़ करता है, जिसके चलते ये आपका जो बम्बू का ये जो तना है ना, ये डेड हुआ है। ये क्या होगा कि इस स्पेशल तरीके से एंजाइम की मदद से इसके अंदर जो भी तत्व होंगे वो खंडित हो जाएंगे, उसके बाद ये जो पौधा है ये सक करके, ठीक है, उन तत्वों को ले लेगा। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम इंटरनल जो है कि भोजन लेते हैं तो इंटरनल डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होता है तो जो तत्व होते हैं हमारे पेट के अंदर क्या होते हैं, खंडित होते हैं भोजन में से, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं, और हमारे छोटी आंत में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और हमारे शरीर में तत्व चले जाते हैं हमारे ब्लड के माध्यम से। तो इनमें क्या होता है, ये बाहर एंजाइम को रिलीज करते हैं और इससे इसके अंदर का जो तत्व खंडित होता है, उसके बाद उस तत्व को ये सक कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो आई होप इस प्यारा जो ये प्यारा सा जेली लाइक आपका ये कवक है, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। हम ऐसे ही साइंटिफिक बायोलॉजिकल वीडियोज़ अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।